हे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में तो वैसे तो आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी रिकरिंग डिपॉजिट से लेकर के, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिकरिंग डिपॉजिट जो कि आता है येस बैंक की तरफ से, कौन से खास बेनिफिट आपको रिकरिंग डिपॉजिट में मिलेंगे अगर आप येस बैंक से अपना अकाउंट खुलवाते हैं। और दोस्तों अगर मैं बता दूँ, अगर किसी को भी ये लग रहा है कि ये वीडियो स्पॉन्सर है, पेड वीडियो है, तो मैं आपको बता दूँ ये पेड वीडियो नहीं है। मेरा काम है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी स्कीम्स और अच्छी ऑफर्स आप लोगों तक पहुँचाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना YouTube चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों अगर मैं बात करूं रिकरिंग डिपॉजिट की, एक्चुअल में रिकरिंग डिपॉजिट है क्या, आवर्ती जमा योजना क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम कह लीजिए, एक ही बात है दोस्तों। यहां पे रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू किसी भी वेतन भोगी या फिर अगर मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को यहां पे मौका मिलता है कुछ पैसे जमा कराने का। फिक्स अमाउंट आपको जमा कराना है बैंक के अंदर हर महीने, और मैच्योरिटी पूरे होने के बाद वहां पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ जो भी आपका पैसा बनता है वो आपको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में जो कि येस बैंक की तरफ से आता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ रिकरिंग डिपॉजिट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सारी की सारी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो आपको यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीरियड 6 महीने का दिया हुआ है, 9 महीने का, 12 महीने, 15 महीने और साथ में 18 या 24 महीने के लिए भी, और या 2 साल से ऊपर भी आप करा सकते हैं, 10 साल के लिए भी रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कराते हैं 6 महीने के लिए तो यहाँ पे लेट सपोज़ आप 6 महीने के लिए आप जमा करा रहे हैं, 1000 रुपये महीना जमा करा रहे हैं 6 महीने के लिए, 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ पे टोटल जो मैच्योरिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो यहाँ पे आपको और भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि 7.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 6 महीने के अंदर भी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 9 महीने की तो यहाँ पे 7% का मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7.5% का मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं 24 महीने के लिए अगर आप जाते हैं, यानी कि 2 साल के लिए अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 1000 रुपये भी जमा करा रहे हैं या 10000 भी जमा करा रहे हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25% का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 7.75% का, जो कि एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, ये कोई मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं आप डिपॉजिट करा दें, अकाउंट खुलवा दें और उसके बाद बोले कि सर आपने तो हमें बताया था कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कोई माफ़ कीजिएगा ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों अगर आप जाते हैं इससे ऊपर की कैटेगरी के अंदर, 2 साल से अबव जाते हैं, 10 साल तक की कैटेगरी के लिए जाते हैं, 5 साल के लिए जाते हैं या 5 साल से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए भी आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये तो बात हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट में आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1000 रुपये जमा कराइए, 2000 रुपये जमा कराइए, 5000 रुपये जमा कराइए, 1000 रुपये जमा करा के आप करवा सकते हैं, चाहे वो 10000 रुपये करवा सकते हैं, 50000 रुपये महीना भी जमा करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप इस अकाउंट को चलाना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिकरिंग डिपॉजिट येस बैंक का, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ रहा है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी और फिल करने के बाद वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे सबमिट आ रहा है तो सबमिट करना होगा आपको, और वहाँ पे आपके पास कॉल या SMS आ जाएगा OTP के थ्रू, आप वहाँ पे पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी कि किस तरीके से आप बड़े आसानी से रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं येस बैंक का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।